हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग शॉर्ट बॉडी हॉर्न फिश के बारे में बात करने वाले हैं। शॉर्ट बॉडी हॉर्न बहुत ही ज़्यादा फेमस फिश है, सब लोग इस फिश के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानते हैं। हर फिश शॉप में आपको ये फिश ज़रूरी देखने को मिलेगा। ये फिश का अपना बहुत ही यूनिक फीचर है, बहुत ही यूनिक बिहेवियर है, जिसके वजह से बहुत लोग इस फिश को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली एक शॉर्ट बॉडी हॉर्न फिश के बारे में बात करने वाले हैं। क्या हम लोग को ये फिश लेना चाहिए, ये कितना बड़ा होती है, इसका ब्रीडिंग करने का क्या प्रोसेस है, क्या इसका ब्रीडिंग सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये फिश को मैं क्या कम्युनिटी टैंक में रखूँ, अकेले रखूँ, बहुत सारा आप लोगों का डाउट्स है। सारा डाउट्स को मैं आज के वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल के साथ क्लियर करूंगा, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं शॉर्ट बॉडी हॉर्न फिश के बारे में। अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोगों को पता होगा ये जो शॉर्ट बॉडी हॉर्न है ये मेरे पास काफ़ी सालों से ये फिश मेरे पास में है। ये फिश को मैं बहुत छोटी, जब इतनी बड़ी सी थी तब मैं इस फिश को बाय करके लेके आया था। बहुत ज़्यादा छोटा बता दिया, शायद इतनी बड़ी थी। हाँ, जब ये फिश इतनी बड़ी थी तब मैं इस फिश को बाय करके लेके आया था। और अभी आप इसका साइज़ जैसे देख सकते हैं, ये बहुत ही इजीली 7 to 8 inches की हो गई है। इसका फिन्स वगैरह देख सकते हैं कितना ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गया। ये भी अभी भी बहुत ज़्यादा छोटी है, ये अभी और थोड़ा सा साइज़ अटेन करेगी, थोड़ा सा ये और मस्क्यूलर होगी। इसका सर जो है वो थोड़ा हम्प भी उसका बढ़ेगा, ये सारा चीज़ होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये फिश को मैं काफ़ी दिन से अपने साथ में रखा हूँ और ये फिश का जो बिहेवियर है ये सबसे बेस्ट है। ये फिश बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्ट करती है। ये फिश का अपना एक बहुत ही यूनिक सा एक अपना बोलते हैं ना बिहेवियर है। ये फिश को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये कैसे बिहेव करती है, इतना साल में मैं बहुत सारा चीज़ इस फिश के बारे में ऑब्जर्व किया जो कि मैं आज अपने पूरे धीरे धीरे इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला सबसे अच्छा जो चीज़ मुझे इस फिश का लगा है वो अपने ओनर के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्ट करती है। ये मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्ट करती है। जब भी मैं आता हूँ बहुत ज़्यादा मेरे को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, तेज़ी से स्विम करती है। हाँ, अभी थोड़ा देर पहले खाना मैं दिया हूँ लेकिन उसके बाद भी वो मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो के वो देखते रहती है। मैं कुछ भी रूम में कोई भी काम करते रहता हूँ ना तो वो क्या करती है, वो मुझे बैठ के देखते रहती है, ये आखिर कर क्या रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। वो हमेशा मुझे ऑब्जर्व करते रहती है। मेरे एक रूम पे बहुत सारा टैंक्स है, दूसरे टैंक का पानी वगैरह चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो मुझे बैठ के देखते रहेगी, ये आखिर कर क्या रहा है। बहुत अच्छा चीज़ है, ये फिश आपको हमेशा देखते रहेगी। पानी वगैरह जब चेंज करते हैं तब भी वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है कभी कभी कोई चीज़ के लिए। बहुत अच्छी, बहुत फ्रेंडली फिश होती है ये। इसलिए अगर आपके पास एक 3 feet का टैंक है तो मैं आप लोगों को ज़रूर से सजेस्ट करूँगा एक ना एक बार आपको ये फिश को ज़रूर बाय करना चाहिए और अपने टैंक में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये फिश का जो बिहेवियर है वो आप डेफिनेटली कोई दूसरे फिशेज में नहीं देखिएगा और वो टाइम को वो मोमेंट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कीजिएगा। ये फिश आप देखिएगा बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करेगी, बहुत ज़्यादा आपके साथ खेलेगी। और क्या चाहिए, जैसे एक पेट डॉग वगैरह करता है ना वही सेम चीज़ वो आपके एक्वेरियम के अंदर में करेगी। इससे ज़्यादा और अच्छा चीज़ क्या हो सकता है। अगर आप ये सारा क्वालिटी एक फिश में चाहते हैं तो ज़रूर से आप एक फिश को बाय कीजिए जो है शॉर्ट बॉडी हॉर्न। ये स्टार्टिंग के टाइम पर जब छोटी रहती है थोड़ा सा डरी हुई हो सकती है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे वो ग्रो करेगी, जैसे जैसे आपको और उसका बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, वो धीरे धीरे करके होगा, वो स्टार्टिंग पे ही नहीं होगा। जैसे जैसे वो समझ जाएगी कि मेरा सामने वाला जो बंदा है वो मुझे हर्ट पहुंचाने का उम्मीद से कभी भी नहीं आता है, वो मेरे लिए हमेशा पैलेट्स वगैरह देता है, खाना देता है, पानी देता है, पानी वगैरह चेंज करता है, तो वो धीरे धीरे जब समझ जाएगी तब आप देखिएगा उसका और आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो ये सारा चीज़ जो था ये तो था फिश का बिहेवियर के बारे में। अब बात करते हैं इस फिश का रिक्वायरमेंट्स क्या होता है। ये फिश का सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे लगता है वो होता है टैंक साइज़। ये जो फिश देख रहे हैं ये फिश को मिनिमम मेरे ख्याल से मिनिमम जो टैंक साइज़ चाहिए होगा वो 3 feet का चाहिए होगा, जैसे कि मेरा भी टैंक जो है वो 3 feet का टैंक है। ये फिश इत्मीनान से इस टैंक पे
इजली 7 to 8 inches तक बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल से मुझे अभी तक आइडिया नहीं है, ये अभी 7 inches की हो गई है, क्या ये 8 inches तक जा सकती है मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारा नेट वगैरह में देख रहा था, वहाँ पर वो लोग बोलते हैं 7 inches 6 inches तक ही बढ़ती है, लेकिन मैं जैसे अभी देख रहा हूँ ये अभी भी यंग है, ये ओल्ड नहीं हुई है, तो मे भी हो सकता है फ्यूचर में वो थोड़ा सा और 1 inch अटेंड कर ले, लेकिन पता नहीं। अभी ये फिश का जो साइज़ है वो 7 inch का है, और बिलीव मी ये जब अपना पूरा साइज अटेंड कर लेती है तब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग के घर पे था ये शॉर्ट बॉडी हॉर्न, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, जस्ट एक फ्लावर हॉर्न जैसा होता है ना वैसा लगती है, बस उसका हेड वगैरह उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन बाकी तौर पे ये फिश बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। अब बात करते हैं इस फिश का ब्रीडिंग के बारे में। इस फिश को अगर आप ब्रीडिंग पर्पज से ले रहे हैं तब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा ये फिश को बाय मत कीजिए, क्योंकि ये जो फिश है ये आर्टिफिशियली मेड फिश है, ये आपको कोई भी नेचर एनवायरनमेंट वगैरह में नहीं मिलेगा, जिसके वजह से इंसान लोग अगर ये फिश को बनाएं तो इसका कुछ कुछ खामी भी है। वो खामी क्या है, सबसे पहला तो खामी, बहुत बड़ा जो खामी मुझे लगता है कि वो लोग को रिप्रोड्यूस करने में, बेबीज वगैरह देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। मेल जो होता है मेल में ही ये कमी होता है, मेल क्या होता है एग्स को सही से फर्टाइल वगैरह नहीं कर पाता, जिसके वजह से फीमेल्स अगर एग्स को ले भी कर देगी तो एग जो है वो धीरे धीरे करके ख़राब हो जाएगा। मेल जो आपका शॉर्ट बॉडी हॉर्न होता है वो उसको सही से अगर फर्टाइल नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली आपका जितना भी एग्स है सब खराब हो जाएगा। मेरे पास भी ये फिश बहुत साल से है, बहुत बार ब्रीडिंग किया लेकिन एक बार भी ब्रीडिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए ये फिश को बाय कर रहे हैं तो बहुत ही कम चांस होता है आपको फर्टाइल मेल मिलने का, अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप ब्रीडिंग नहीं कर पाइएगा, लेकिन अगर आपको मेल फर्टाइल मिल जाता है तब आप देखिएगा बहुत ही इजली ये फिश जो है वो ब्रीडिंग करेगी और ढेर सारा फ्राइज देगी। हाँ बट ये मुझे पता है ये फिश बहुत ही अच्छा पेरेंट होता है, मेरे पास जितना बार भी ये लोग एग्स वगैरह दिया है तो मैं हमेशा देखा हूँ ये लोग एग्स का बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर करता है, किसी को भी एग्स के आसपास में आने नहीं देता। बस थोड़ा सा कमी था मेरा मेल में जिसके वजह से मुझे बेबीज़ वगैरह नहीं मिला। ये लोग ब्रीडिंग हर महीने, मेरे ख्याल से हर महीने 1 महीने 2 महीने के बीच में लोग हमेशा ब्रीडिंग करते रहता है, लेकिन मुझे कभी भी कोई बेबीज़ वगैरह नहीं मिला। ये जो फिश होता है इसको नॉनवेज वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगा सिर्फ और सिर्फ अपने फिशेस को पैलेट्स वगैरह ही मत दीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं फिशेस बाय करके लेके आ गए, पूरे ज़िंदगी साल हो गया 2 साल हो गया सिर्फ एक जो पैलेट्स देते हैं बस वही पैलेट्स उसको देते रहते हैं, तो ऐसा पैलेट्स खा के वो कितना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, कितना ही ज़्यादा हेल्दी होगी, सब कुछ पैलेट्स में ही नहीं मिलता है। वो फिश एक नेचुरल एनवायरनमेंट में कितना कुछ ही खाती है, सिर्फ एक ही फूड तो नहीं खाती है। हम ही लोग अपने डाइट पे कितना कुछ रखते हैं, जब कोई सीजनल फ्रूट्स आता है तो फ्रूट्स खाते हैं, जब कोई सीजनल वेजिटेबल्स आता है वो खाते हैं, सब कुछ अपने डाइट पे, थोड़ा 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 फाइबर होता है, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है, थोड़ा कैल्शियम होता है, सब कुछ डाइट पे हम लोग का रहता है। वैसे ही सेम एक फिश के डाइट में भी सब कुछ थोड़ा थोड़ा होना ही चाहिए, जो कि उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलता है, वही सारा चीज़ अगर आप टैंक में रखें तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारा चीज़ को आपको अपने फिशेस को प्रोवाइड करने का। तो इसमें आप क्या क्या दे सकते हैं, श्रिम्प बहुत ही इजीली मिल जाता है, ड्राइड श्रिम्प आपको फिश शॉप में मिल जाएगा, कभी कभी आप ताज़ा फ्रेश श्रिम्प भी दे सकते हैं, ड्राइड श्रिम्प नहीं देना है, फ्रेश श्रिम्प भी ला के दे सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। बहुत सारा वैरायटीज़ फूड का अगर आपको वैरायटीज़ देखना है बहुत सारा अवेलेबल है, बस आपको उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा उठ के जाना है, थोड़ा सा अपने से इनिशिएटिव उठाना है। अगर आपके पास अगर शॉर्ट बॉडी हॉर्न है, शॉर्ट बॉडी हॉर्न से रिलेटेड तो आपको ज़्यादा पैलेट्स वगैरह मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, लेकिन फ्लावर हॉर्न से रिलेटेड जो भी पैलेट्स वगैरह मिल रहा है वो सारा अगर आप पैलेट्स दीजिएगा तो मैं आपको बस वही सजेस्ट करूँगा फ्लावर हॉर्न का पैलेट्स दीजिए, इससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, और इसका जो सर पे हम देख रहे हैं ये भी धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। अगर आप अच्छा क्वालिटी का पैलेट्स वगैरह अगर आप नहीं दीजिएगा, बहुत ख़राब क्वालिटी का पैलेट्स दीजिएगा, जो भी फूड दे रहे हैं अच्छा क्वालिटी का नहीं रहेगा, तो इसका कलर भी आप देखिएगा बहुत ज़्यादा फेड हो जाएगा, ग्रोथ भी ज़्यादा तेज़ी से नहीं होगा। इसका मेन बात है जो सर, इसका जो सर में हम्प होता है यही मेन खूबसूरती होता है, इसका हम्प भी बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा या फिर एकदम ही बढ़ेगा नहीं, इसलिए फ्लावर हॉर्न के लिए जो पैलेट्स आता है वो सारा पैलेट्स को भी आप दे सकते हैं, इससे भी ये फिश बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगी।
अब बात करते हैं इस फिश का टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, 27, 28, 29 तक मैक्स। 29 तक भी अगर आप इस फिश को दीजिएगा बहुत ही इजीली अपने टैंक पे रहेंगे, क्योंकि ये फिश को नॉनवेज वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसलिए अपने टैंक का जो टेम्परेचर है वो 28, 29 हमेशा ही रहना चाहिए। अगर आपका जो टैंक का टेम्परेचर वो 28, 29 रहेगा, इस टेम्परेचर में फिशेज बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी, जो भी खा रही है उसको सही से डाइजेस्ट कर पाएगी। और वैसे भी ये एक सिकलेट फिश के ग्रुप से, तो हाई टेम्परेचर में ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। इसलिए टैंक का जो टेम्परेचर है वो 27, 28, 29 तक ही बना के रखिएगा। इससे ज़्यादा लो मत जाने दीजिएगा, इससे ज़्यादा हाई भी मत जाने दीजिएगा, हाई से वो पकना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए हाई मत जाने दीजिएगा। और अगर कम जाने दीजिएगा, अगर 25 से कम जा रहा है, 26 तक भी आ रहा है, तब आप उसको अगर कुछ भी नॉनवेज वगैरह देंगे तब साथ ही साथ, अगर आज दिए हैं कल ही आप देखेंगे उसको इंटरनल पैरासाइट्स हो गया है, वो अब सही से खाना नहीं खा रही है, वो अपना जो बोलते हैं ना बॉडी का जो फिन्स वगैरह होता है उसको वो सही से एक्सपैंड नहीं कर रही है, तो ये सारा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ही मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप ये फिश को रखें गर्मी के टाइम पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ठंडे के टाइम पे ज़रूर से आपके टैंक में हीटर होना ही चाहिए, क्योंकि ये फिश का जो फिन्स है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए पानी का भी आपको खास ख्याल रखना है। पानी अगर आपका ख़राब क्वालिटी होगा डेफिनेटली आप देखिएगा फिन रॉट हो जाएगा, और जब इस फिश को फिन रॉट वगैरह हो जाएगा, पूरा फिन्स अगर गायब हो जाएगा, तो इस फिश का जो खूबसूरती है वही ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका फिन्स कितना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसलिए शॉर्ट बॉडी हॉर्न रखें या फिर कोई भी फिश रखें रेगुलर बेसिस पे, वीक में कम से कम एक बार भी अगर आप 10% पानी चेंज कीजिएगा तो वो ये फिश के लिए एनफ है। अब बात करते हैं इस फिश का टैंक मेट के बारे में। ये जो फिश होती है ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव फिश होती है, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव। ये जब छोटी रहेगी तभी से आप इसका अग्रेशन देख सकते हैं। ये दूसरी फिशेस को बहुत ज़्यादा बुली करेगी, परेशान करेगी, बहुत ज़्यादा चेस करते रहती है। इसलिए अगर आप ये फिश रखे हैं तो कम्युनिटी टैंक अगर आप बना रहे हैं तो कम्युनिटी टैंक में इस फिश को आप ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। अगर आप इस फिश को कोई कम्युनिटी टैंक में रखिएगा तो डेफिनेटली आप देखिएगा कोई दूसरी फिशेस को चेस कर कर के मार के ख़त्म कर दे। बहुत लोग बोलते हैं बड़ा टैंक होने से प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैं देखा हूँ 4 फीट का भी टैंक था उसमें भी मैं अगर इसको डालता हूँ ये दूसरे फिश को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। इस फिश का अकेले रखना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। कम्युनिटी टैंक में अगर आप रखिएगा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। कई कई बार ऐसा होता है कि वो शायद पहले महीने सही से रहे, दूसरे महीने सही से रहे, तीसरे महीने से फाइट होना स्टार्ट हो जाए, या फिर ये दोनों तो बहुत साल से अच्छे से थी लेकिन अचानक से अब फाइट होना स्टार्ट हो गया। इसलिए ऐसा बहुत बार हुआ। हर फिश का अपना अपना एक अलग अलग बिहेवियर होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली तो बता नहीं सकता ये फिश का क्या बिहेवियर है। बस मैं आपको एक छोटा मोटा आइडिया दे सकता हूँ, ये फिश को अगर आप रखिएगा तो देखिएगा पहला महीना सही रहेगी, दूसरे महीना सही रहेगी, लेकिन फिर अचानक से पता नहीं क्या चीज़ में लोगों का फाइट हो गया, उसके बाद अब ये लोग दोनों एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करती है, हर टाइम फाइट होते रहता है, और उसमें से जो भी कमज़ोर है उसको वो बहुत ज़्यादा बुली करेगी और एकदम ख़त्म ही कर देगी मार के। इसलिए मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक शॉर्ट बॉडी हॉर्न रख रहे हैं तो उसको एक अलग 3 फीट के टैंक में रखिएगा, कभी भी कम्युनिटी टैंक में मत डालिएगा। रह लेगी मे भी, हो सकता है थोड़ा दिन तक रह लेगी, लेकिन थोड़ा दिन के बाद में एक ना एक दिन ज़रूर आपको प्रॉब्लम आएगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। सो फिर जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था सब कुछ मैं बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हूँ। होप करता हूँ ये जो भी इन्फॉर्मेशन था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, और अब हम लोग जल्दी मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।